की देन है। जब भी हमें कोन के लिए जाना होता था तो मैं 50 किलोमीटर दुद्धी क्षेत्र घूमकर कोन जाता था। देश की राजनीति के लंबे कालखंड में राजनीतिक छुआछूत का माहौल रहा है और उसकी चपेट में सूबेदार प्रसाद भी आए। श्रद्धांजलि सभा में जब जयप्रकाश चतुर्वेदी बोलने गए तो उन्होंने भी मौका नहीं चूका और कहा कि सूबेदार प्रसाद के वक्त में विपक्ष और सत्ता पक्ष में इतनी दूरियां नहीं थी। विधानसभा परिषद जयप्रकाश चतुर्वेदी ने अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि सूबेदार प्रसाद तीखी बात भी इस तरीके से कहते थे कि बुरा नहीं लगता था। कांग्रेसियों के समय की मौजूदगी में कहा कि पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष में ऐसी दूरियां नहीं थी और उनको इस क्षेत्र के सांसद राज्य मंत्री का उन्होंने दर्जा प्राप्त कर जनता के सहयोग से सेवा दिया और अपने जीवन काल में इस क्षेत्र को लोगों को बहुत विकास किए। आज जो देख रहे हैं कि गांव-गांव में जो सड़कें बन रहा है, जो हर जगह पुल पुलिया बन रहा है, आप सबके इस सहयोग से हमारी जब पहले कल्याण माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार था तो उस समय माननीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी उस समय विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। उस कार्यकाल में बहुत ही उस क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र था, न तो कचरे का रास्ता था, न तो डाला से तिलबुड़वा से जिनके करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे परम आदरणीय स्वर्गीय सुधार प्रसाद जी। आज के अगर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए थे वो अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, किसी बड़े महानगर में बड़े शहर में बस करके अपना परिवार के कोन में इन लोगों ने विद्यालय स्थापित करके शिक्षित करने का संकल्प लिए। हम कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा संकल्प आज सारे उदाहरण मिलेंगे। मंत्री जैसे ऐसे महापुरुषों को पैदा किया है, यहाँ की धरती माता इतनी उर्वर है कि जो जिले को नहीं प्रदेश को नहीं बल्कि देश को दिशा देने की क्षमता रखने वाले लोगों को पैदा समय समय पर करती रहती हैं। आदरणीय सूबेदार प्रसाद जी को याद करके हम अपने आगे के लिए दिशा तय कर सकते हैं। कभी अभाव पहला नाम 6 में लिखवाया था हमारे सूबेदार प्रसाद जी। उस समय पढ़े लिखे अंग्रेजी से मैं श्रद्धा से अनुरोध करता हूँ। हमें एक सामान्य परिवार में गरीब परिवार में जन्म लिया, उन्होंने जहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं रहा होगा उसमें मानता है, तो हमारे गांव में भी जहाँ जाने का रास्ता नहीं था। अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसी विकट परिस्थिति रही होगी, रास्ते नदी नाले खास चौपन लोग कैसे आते रहे होंगे।